नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं, उसकी हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, अगस्त का महीना बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मेष लग्न में लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है और ये मंगल खुद से पंचम भाव में जा रहा है और नवम पंचम का एक अलग ही योग बना हुआ है। तो ये जो नवम पंचम का योग बना है इसके कारण आपकी ऊर्जा का स्तर दूसरे लोगों से बहुत आगे होगा। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है और इस महीने की शुरुआत से ही आपके अंदर एक गजब ऊर्जा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मंगल पंचम भाव में होता है ये हमारे एजुकेशन का भाव है और लग्नेश होकर जब पंचम भाव में जा रहा है तो हमारे ज्ञान में, हमारी विद्या में, हमारे सोच में एक अलग ही वृद्धि होती है। दूसरे सब लोगों से आपकी ऊर्जा बहुत ही उच्च स्तर की बनी रहेगी क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपके मंगल पे पड़ रही है। तो मंगल और गुरु का जो ये दृष्टि संबंध बन रहा है ये एक गजब की ऊर्जा आपको प्रदान कर रहा है जो किसी से आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतना आपको योग्यता की तरफ ले जा रहा है। और ये जो सूर्य, बुध और मंगल, देखिए शुरुआत में क्या है, 15 दिन के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य 15 दिन में होगा, उसके बाद वो पंचम भाव में चला जाएगा तो वो एक विलक्षण परिस्थिति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और वहीं पर बैठा है मंगल के साथ। तो ये जो योग बन रहा है 15 तारीख के बाद जब सूर्य चेंज होगा उसके बाद, वो एक आपको, अगर कोई जैसे कहते हैं कि वो आपको एक रिसर्च संबंधित कार्य अगर कोई करते हैं उसमें आपको बहुत उच्च स्तर तक लेकर जाएगा। आपको मेडिकल फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं उनको कोई एडमिशन लेना है या मेडिकल के अंदर आपको कोई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना है। आपको 100% आपको जो डिजायर्ड है कि आपको इस तरह की जॉब मिलनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आप सिविल सर्विसेज में हैं तो भी उन स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि लग्नेश का और पंचमेश का जो योग बना हुआ है और उसमें गुरु की पूर्ण दृष्टि, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो आपको सिविल सर्विसेज में बहुत आगे बढ़ाती है। और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ऊर्जावान परिस्थिति बनी हुई है। बस एक चीज कहूंगी कि लेजीनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, जो कहते हैं ना कि आलस्य, उसको आपको छोड़ना होगा क्योंकि आपकी ऊर्जा कोई मैच नहीं कर सकता। क्योंकि मेष लग्न वालों के अंदर वो एक एम्बिशन के साथ जीते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि जो मेष लग्न वाले होते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, मगर एम्बिशियस होने के साथ साथ उनकी ऊर्जा का प्रमाण बहुत ऊंचा होता है तो उसके साथ कोई मैच नहीं कर सकता। आप अपनी ऊर्जा को पहचानिए और उसके हिसाब से प्लान करके आगे बढ़िए। इस महीने का जितना आप बेस्ट यूज कर सकते हैं, शायद आप इस पूरे वर्ष में आपको जितनी प्रगति नहीं मिली होगी उतनी प्रगति आपको इस महीने के अंदर मिल सकती है अगर आपका इसका बेस्ट यूज करें तो। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में है राहु और राहु जो है वो वाणी के अंदर बैठा है। अब जो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है वो खुद से सिक्स्थ हाउस के अंदर है, मतलब सिक्स्थ हाउस में बैठा है और नीचस्थ राशि में है और शुरुआत के 11 दिन तक वो पंचम भाव में शुक्र रहेगा। उसके बाद 11 अगस्त को शुक्र बदल जाएगा और वो चला जाएगा नीच राशि में। तो शुक्र के जो शुरू के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और घर के अंदर भी संबंध अच्छे रहेंगे, मगर 11 तारीख के बाद आप देखिए ऊर्जावान है, आपके अंदर प्रमोशंस की बहुत अभी संभावनाएं हैं, आपके कार्यक्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इसके कारण आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि व्यंगात्मक शैली, जो जिसको कहते हैं, खुद के घर के लोगों के साथ ही आप दुर्व्यवहार मत कीजिएगा। कुछ ऐसा बोलकर, जिसको कहते हैं ना व्यंग करना,
तो ये नहीं करना है, घर के लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, घर का माहौल मत बिगाड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता का स्तर बहुत ऊंचा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार करना है। तो ये 11 तारीख के बाद परिस्थिति हो सकती है, तो ये मत कीजिएगा। और ये जो सेकंड हाउस का स्वामी आपके सिक्स्थ में गया है, उसकी शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो खर्च बढ़ सकते हैं, और ऐसे खर्च जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हम ऐसे खर्च कर देते हैं जिससे आप फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे, ये मत कीजिए। लग्जरी के पीछे अभी कोई खर्च मत कीजिए, प्लान करके चलिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करना है, क्योंकि हमारे लिए ये बेस्ट टाइम है, उसको हमें कैसे प्लान करना है ये हमको पहले पता होना चाहिए। अब तीसरे भाव का स्वामी यानी कि ये जो बुध है वो आपके कहते हैं ना कि 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बुध पंचम भाव में रहेंगे। तो ये जो 9 अगस्त से 26 अगस्त तक का टाइम है, जो पराक्रम में बहुत वृद्धि हो रही है, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप कहीं पर भी फेल नहीं होने वाले, क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति भी बहुत अच्छी है और पराक्रम के स्वामी की परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। और जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो आप चेंज के लिए डिसीजन ले सकते हैं 9 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक का जो टाइम है वो बुध के लिए बहुत बेस्ट पोजीशन है। अगर जैसे आपका जो फोर्थ हाउस है यानी कि चतुर्थेश आपका चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा जो है अब उसमें सूर्य बैठेगा, अगले 15 दिन तक सूर्य वहीं स्थित रहेगा, तो ये जो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है वो कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको विवाद रहेगा, मगर परिस्थितियां 15 तारीख के बाद बहुत फेवरेबल हो जाएगी और वो भी कार्य आपका सफल हो जाएगा। तो 15 तारीख के बाद अगर प्रॉपर्टी का कोई कार्य है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी जैसे हड्डी से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी चेकअप करवा लीजिएगा, हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसका भी आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव जो है सूर्य हार्ट का प्रतीक होता है, वो चतुर्थ भाव में बैठा है, तो थोड़े से हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो चेकअप करवा लीजिएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, मगर विचारशील होने के कारण इस तरह की समस्याएं आती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव में सूर्य बुध और मंगल की युति बनी हुई है, सूर्य 15 तारीख के बाद यहाँ आएगा, तो ये जो युति बनेगी ये बहुत अद्भुत स्थिति है आपकी सफलता के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मेडिकल आईटी रिलेटेड आपको जो भी कार्य करना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करना है, आप एग्जाम दे रहे हैं कोई गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में है, हर तरह से आपके लिए सफलता बनी हुई है। और अगर 7th लॉर्ड जो है आपका शुक्र, ये शुक्र 11 तारीख तक यहाँ पंचम भाव में रहेगा, उसके बाद वो आपके छठे भाव में चला जाएगा। तो देखिए पंचम भाव में शुक्र की स्थिति जो अगले 10 दिन है आपके, जन 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, आप अगर किसी से मैरिज करना चाहते हैं, कोई लव का कोई ऐसा कंडीशन है, वैसे तो पूरा ही महीना लव मैरिज वालों के लिए अद्भुत स्थिति है, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में है और पंचमेश भी वहीं पर है, तो ये एक मैरिज के लिए आपको किसी के साथ आपको संबंध में जोड़ेगी। आपको कोई ऐसा कुछ है, आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, कोई लव का ऐसा कोई कंडीशन है, तो आपको बहुत फेवरेबल होगा, आप बहुत इंजॉय भी करेंगे इस टाइम को, क्वालिटी टाइम को। तो ये आपका खुद का भी इंटरेस्ट इस चीज़ में, इस महीने में आपका लव इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको उस तरह के ही विचारों में आप लीन रहेंगे, तो ये भी जरा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस काम पे भी कीजिएगा। मगर ये अगर कोई परिस्थिति आपके जीवन में है, आप उस एज में हैं, तो आपके लिए ये पूर्ण संभावना है कि आपके मैरिज फाइनल हो सकता है। क्यों? गुरु की भी पूरी दृष्टि बनी हुई है, सप्तमेश पंचम भाव में जाएगा, लग्नेश भी पंचम भाव में है, तो लव मैरिज के चांसेस डबल हाई हैं और आपका कार्य हो भी जाएगा।
तो ये 11 तारीख से पहले करोगे तो मजा आ जाएगा, आपका काम मस्त हो जाएगा। और सप्तमेश उसके बाद जो शुक्र 11 तारीख के बाद चेंज होगा, तो देखिए कोई भी लेडीज के साथ आपको बात करने से लेकर हर चीज में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब शुक्र नीचस्थ में जाएगा 11 तारीख के बाद, तो आपको वाणी से कोई स्त्री के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। सिक्स हाउस के अंदर शुक्र नीचस्थ पोजीशन में होने के कारण एक जो मैं देख सकती हूँ कि जब शुक्र नीचस्थ होता है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए सिक्स का स्वामी जो है वो बुध है, बुध चमड़ी से रिलेटेड कोई भी अपने प्रॉब्लम्स है वो बुध देता है, और शुक्र वहां बैठने के कारण आपको कोई स्किन प्रॉब्लम होने की शक्यता बहुत बनी हुई है। इसके अलावा डायबिटीज से भी आपको बचना है, तो डेली एक्सरसाइज करवा लीजिएगा। आप एक्सरसाइज को ध्यान में रखकर अगर चलेंगे, अपने शेड्यूल को उस तरह से बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आपको डायबिटीज से बचना है, क्योंकि ये पोजीशन में मैंने काफ़ी लोगों को इस परिस्थितियों से निकलते हुए देखा है। और कुछ ऐसे छुपी हुई रोग भी ना हो, इस चीज़ से भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। सेवेंथ लॉर्ड का मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा वाणी से संबंधित ध्यान रखिएगा। लाइफ अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको 11 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल कर रहना है, कोई परिस्थिति ऐसे तकलीफ वाली नहीं है क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है, मगर थोड़ा बोलने का इस चीज में ध्यान रखिएगा, स्पेशली लेडीज के साथ। केतु अष्टम में है, ये केतु रिसर्च में बहुत हेल्प करता है, और अगर आप तो मंगल से कनेक्टेड हैं, आपकी राशि ही मंगल से कनेक्टेड है, ऐसा रिसर्च आपका अभी टाइम है, आप आईटी प्रोफेशनल है तो भी आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहना भूल गई कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ में शेयर मार्केट वालों के लिए ये महीना बेस्ट है। आप कोई लॉटरी कुछ भी, आप कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं उसके लिए बेस्ट टाइम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो सूर्य बुध और मंगल की युति है ये शेयर मार्केट के अंदर बहुत सफलता दिलाती है, और गुरु की दृष्टि भी पूर्ण है तो आप कहीं पे भी घाटा नहीं खाएंगे, आपको बहुत फायदा होगा। इस महीने का आपको बेस्ट यूज करना चाहिए इस चीज को लेकर। 15 तारीख के बाद और भी अच्छा रहेगा इसके अंदर, तो ये आपको प्लस पॉइंट में कह सकती हूँ। दशम भाव में शनि है, शनि जो है सूर्य के साथ संबंध बनाएगा शुरू के 15 दिन, तो देखिए कार्यस्थल पे थोड़े मन मुटाव भी हो सकते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल धैर्यता से कार्य करना है। ओवर ऊर्जा के कारण और ओवर एंथुजियाज्म जिसको कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलिज्म, ओवर एम्बिशन होने के कारण आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और बहुत ही जमीन पर रहकर कार्य कीजिएगा। क्यों? क्योंकि शनि हमेशा उन्हीं लोगों को पसंद करता है, शनि दशम भाव में है, जो बहुत ही व्यवस्थित होते हैं और हर व्यक्ति को समझ के और प्रामाणिकता से कार्य करते हैं, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ना है हमको। अच्छा समय है मगर हमें मनुष्यता को नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले। तो थोड़ा सा घर्षण जरूर हो सकता है, विचार मतभेद हो सकते हैं आपके आपके बॉस के साथ, या आपके कार्यस्थल में आपके विचार मतभेद हो सकते हैं, मगर हमें बिल्कुल चिंता की परिस्थिति नहीं है। सूर्य का जैसे ही चेंज होगा फिर वो भी परिस्थिति आपकी नॉर्मल हो जाएगी, बस मैंने जो कहा उस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। गुरु 11वें भाव के अंदर वक्र परिस्थिति में है, तो ये भी आपके लाभ को बढ़ा रहा है, क्योंकि इसकी दृष्टि आपको पराक्रम को भी बढ़ा रही है, आपकी विद्या को भी बढ़ा रही है, आपके ज्ञान को बढ़ा रही है, उसके अलावा आपके सेवेंथ हाउस पे भी उसकी दृष्टि है, तो हर तरह से आपको लाभ दे रही है, आपके संबंध भी बेहतर हो रहे हैं। बस मैंने यही कहा है कि आप ओवर एंथुजियाज्म में कहते हैं ना, ईगो नहीं आना चाहिए, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहकर कार्य कीजिएगा, तो बहुत बेस्ट टाइम है आपको ये यूज करें। ओवरऑल पूरे महीने की परिस्थिति मैंने आपको बता दी है, बेस्ट टाइम है अगर इसको उपयोग करें। फॉरेन संबंधित भी कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, शुक्र की दृष्टि जैसे ही 12th पे पड़ेगी आफ्टर 11th अगस्त बहुत अच्छा है उसके लिए भी, अगर आपको फॉरेन संबंधित कोई कार्य करते हैं तो। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी। अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है 6, 8, 12 में है तो प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ
क्योंकि देखो 5 अगस्त और 20 अगस्त ये 2 दिन प्रदोष का व्रत है। प्रदोष बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्रत होता है, मैं बहुत मानती हूँ इस चीज को। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा आपका 4th हाउस का सुख का कारक है, और अगर वो डिस्टर्ब है, चंद्र राहु की युति है, चंद्र केतु की युति है, चंद्र कहीं पर भी डिस्टर्ब हो रहा है आपकी हॉरोस्कोप जो जन्म कुंडली में, तो ये प्रदोष करने से उसका निवारण हो जाता है और बहुत शांति मिलती है, और आपका चतुर्थेश है वो तो सुख आपको प्रदान करेगा। तो ये जरूर कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप करने से भी आपको बहुत शांति मिलेगी, प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका अटक रहा है तो प्रदोष से आपका वो कार्य 100% हो जाएगा। आप खुद करके देखिए, देखिए ये चीजों को अगर हृदय से किया जाए, दिल से किया जाए, तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। और दूसरा एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरु जो है वक्र पोजीशन में यहाँ पर है, आपको अगर लाभ कहीं अटक रहा है तो गुड़ और चने की दाल गाय को ज़रूर खिलाइए गुरुवार के दिन, गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। गायों की सेवा करना बहुत अच्छा है, आपकी जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी। ये दूसरी रेमेडी है। और एक लास्ट रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि शनि आपका 10th भाव में है, कार्यस्थल में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो देखिए जो गरीब जो निर्धन है उनकी सेवा कीजिए। कुछ भी उनको दान दे सकते हैं आप, उनको खाना खिला सकते हैं, कौओं को आप कह सकते हैं, कहते हैं गांठिये होते हैं, या कुछ भी जो कौओं को आप खिलाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते, कोई निर्धन की सहायता कीजिए तो शनि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहकर कार्य कीजिएगा तो आपका ये महीना आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है। ओवरऑल परिस्थिति बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोई भी चिंता की बात नहीं है, आपको जो भी करना है गो अहेड कर लीजिए, ये महीना बहुत अच्छा है, 100% आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा वाणी पे संयम जरूर रखिएगा, और ओवरऑल बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।